हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन बोले ब्रिज में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले संस्कृत के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए अब इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, असहिष्णुता का कारण निवारण बताएं। दो नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है, यानी किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है। देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। देखिए, चार नंबर क्वेश्चन है, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरक के कितने तीन द्वार कौन कौन से हैं। नरक के तीन द्वार कौन कौन से हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल की रक्षा कैसे होती है, यानी कुल की रक्षा कैसे होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित किसे कहा जाता है। पंडित किसे कहा जाता है। देखिए, पंडित किसे कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी भारत भूमि कैसी है। हमारी भारत भूमि कैसी है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है, यानी आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखें। नीति श्लोक पाठ से एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखें। चलिए, नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद की परीक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर यह स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। चलिए, नेक्स्ट देखिए, अलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसी हुई। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, असहिष्णुता का कारण बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए, दूसरा था, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है। और तीसरा क्वेश्चन था, मध्य काल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। उसके नेक्स्ट था, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही थी, यानी देखी जा रही है। और नेक्स्ट था, नरक के कितने द्वार हैं, यानी नरक के तीन द्वार कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट था, कुल की रक्षा कैसी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित किसे कहते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी मातृभूमि कैसी है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, अलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है। अलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीति श्लोक पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र भवम पाठ के आधार पर यहाँ स्थित दर्शनीय स्थलों पर प्रकाश डालें। और जो अंतिम क्वेश्चन था, अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसी हुई। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में।